हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे कोकोनट मैंगो पेनाकोटा। इसकी इंग्रेडिएंट्स आप अभी देख सकते हैं। कोकोनट मैंगो पेनाकोटा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चम्मच जिलेटन लेंगे, उसमें 2-3 चम्मच गुनगुना पानी डालेंगे, मिक्स करके रख देंगे। इसको हम 10-15 मिनट भिगो कर रखेंगे। सबसे पहले पैन में हम कोकोनट मिल्क डालेंगे, उसके साथ 1/3 क्रीम डालेंगे, फ्रेश क्रीम, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक इसको उबलने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर, पाउडर शुगर डालनी है, पीसी हुई शक्कर। उसके बाद गैस बंद करके आंच से नीचे उतार कर जिलेटिन जो हमने भिगो कर रखी थी वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें एसेंस डाल सकते हैं, वेनिला एसेंस, वाइट रोज, कोई भी एसेंस आप डाल सकते हैं इसमें। एक ट्रे लेंगे, उसमें नैपकिन रखकर ग्लास प्लांट में रखेंगे और उसमें हम कोकोनट मिल्क डाल देंगे। अगर आपको सीधा बनाना तो आप सीधा भी बना सकते हैं, बस हम इस शेप के लिए ऐसे प्लांट रखे हैं ग्लास। और ये हम अब 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे मैंगो पल्प। मैंगो पल्प बनाने के लिए मैंगो के पीसेस काट कर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसमें हम शुगर, पानी या दूध कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको पल्प ही बनाना है। और ये हमारा मैंगो पल्प रेडी है। हमारी कोकोनट जेली रेडी हो चुकी है। इसको 4 घंटे हो गए हैं, हमने रेफ्रिजरेटर से इसको निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर मैंगो पल्प वाला मिक्सचर डालेंगे। तो इस मैंगो पल्प में हम डालेंगे 1 चम्मच जिलेटन, मिक्स करके उसके बाद हम डालेंगे 1 या 2 चम्मच पाउडर शुगर। इसको अच्छे से मिक्स करके कोकोनट जेली के ऊपर डालेंगे हम इसको, और ये फिर से हम 4 घंटा फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। हमारी जेली को 4 घंटे हो गए हैं और हमने ये फ्रिज से निकाल लिए। बराबर अच्छे से सेट हो गई है हमारी जेली, और इसके ऊपर हम मैंगो पीसेस और चेरी के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।